पायलट बनकर माफ करना, चक्कर और शंकु लेकर आता हूँ। ऊंची उड़ान। ये तैयार हो गया, बस अंदर से थोड़ा और मजबूत करना होगा। ले आओ, ये ऐसे चल पड़ेगा क्या? हेलो, मैं आ गई। हेलो मिला, हम जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे किले की रक्षा करना। हाँ हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। सुबह से लकड़ियाँ ढो ढो कर हमने पूरा जंगल इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, पर किससे रक्षा कर रही हूँ? लगता है बोलियो और टिक यहाँ नहीं है। ए लकी, मेरी बात सुनो तुम। अब से ये बाग हमारा है और ये रस भरी भी हमारी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? बाग सबका है पर किला हमारा है। तुम्हारा तो था, अब हमारा हो गया है। लड़कों, दिखा दो उसे। नहीं, मैं तुमसे नहीं करती। नहीं, बचाओ। हट गए, बिल्कुल निशाने पर लगा। मिला, तुम डरो मत। मैं नहीं डर रही। छुट्टी करने में आ गया हूँ। सुनो लड़को, मारो उस उड़न गिलहरी को। चूक गए। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। क्या कर रहे हो? संभाल के भाई, लग जाएगा। अभी तक यहाँ पर है, चल भाग हमारे किले से। वैसे भी तू अकेली बची है। मजा आएगा। तू अकेली नहीं है। तुम्हारी ही कमी थी। ये किला हमारा है। अरे तुम्हारा तो था, अब हमारा है। मैं पागल हूँ जो सुबह से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। लड़को मजा चखा दो। लड़को भागो, हम वापस आएंगे, देख लेंगे तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं। हुर्रे, हम जीत गए। ये किला हमारा है, कान खोलकर सुन लो तुम लोग। दोबारा आना मत। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम उस टीग और लियो से हार गए। बहुत शर्म की बात है सच में। अरे देखो, ये तो बड़े भालू की गुफा है। तो आइडिया। चुप रहो। रसभरी, बहुत सारी रसभरी, खा लो, मजेदार है। मीला कैसे चिल्ला रही थी ना, बचाओ मुझे। मैंने पहले एक को भगाया, फिर दूसरे को। इस तरह मैंने एक एक करके सबको भगा दिया। देखा तुमने, कितना डरते हैं सब मुझसे। ये बात हमारी है।
डर गए ना? अब आया हमसे पंगा लेने का मजा। अब बाघ भी हमारा और रसपरी भी हमारी। दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा किला, हमारा बाग, सब कुछ छिन गया हमसे। मीला परेशान मत हो, हम सब वापस ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर कैसे? लियो, तुमने देखा उस भालू को? वाह! उसे हराने के लिए हमें किसी ताकतवर की जरूरत है। मैं समझ गया हमारी मदद कौन कर सकता है। बड़े भालू भाई साहब, हमने तो रसभरी को आधा आधा बांटने का फैसला किया था ना। समझ गए, हम जा रहे हैं। दोस्तों, जान बचानी है। नहीं बच्चों, नहीं। उस बड़े भालू से अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इसका मतलब है हम सब कुछ खो चुके हैं। लियो, चलो यहाँ से। नहीं, रुको जरा। माँ पापा देगा क्या? इस पूरे जंगल में हमें उस भालू से ताकतवर कोई नहीं मिलेगा। वैसे पहले हर भालू को यही लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसी वजह से वे अपने आप पर बहुत गर्व करने लगे और बाकी सभी के साथ नीचा व्यवहार करने लगे। पर हर शक्ति के सामने एक और बलशाली शक्ति होती है, टैगा की देवी। वो शक्ति है जो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। तो क्या हमें टैगा देवी को ढूंढना चाहिए जो इस दुष्ट भालू को यहाँ से भगा सके? टैगा देवी नहीं, हम उसे भगाएंगे। मीला, तुम भालू को यहाँ से घेरना, और कुबा तुम उस पर यहाँ से अटैक करना। तुम लोग देख, देखो तो जरा यहाँ कौन आया है। उस बड़े पेटू ने हमें भगा दिया, जबकि पहले वादा किया था कि आधी रसभरी में हमें हिस्सा देगा। और तुम्हें हिस्सा नहीं मिला, अच्छा ही हुआ। कोई बात नहीं, हम सब एक साथ मिलकर उस भालू का मुकाबला करेंगे। तो बोलो, तुम हमारा साथ दोगे? जी जरूर, हम आपके साथ हैं, पर रसभरी आधी आधी बांटेंगे। अरे ओ बड़े भालू कहीं के, यहाँ से भागो, ये किला हमारा है। मधुमक्खियों, क्यों पीछे पड़ी हो? हट जाओ यहाँ से, जाने दो। अंकल, भागो यहाँ से, ये किला हमारा है। हमने इस किले को बनाया है, समझे तुम? हमारे बाग को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? भागो यहाँ से, भालू कहीं के। समझ गया, तुम कुछ दिखाना चाहती हो। ओ, तुम अपने छत्ते में नहीं जा पा रही। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन काटना मत। तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो? बस गुनगुनाओ मत, बचाओ। लगता है मीला खतरे में है। सुनो मधुमक्खियों, मेरी मदद करो प्लीज। फेको, फेको, मारो उसे, मारो। अरे ओप, शंकु खत्म हो गए। अरे नहीं, मीला भागो वहाँ से। कोई मुझे बचाएगा प्लीज? मीला, मैं आ गया। टैगा की देवी तुम्हारी रक्षा करने आई है। टैगा की देवी? ये सच है, मापा पंडिका ने सच कहा था। हाँ, ये टैगा की देवी है, हमारी मदद करने आई है। पर कहाँ से? जो भी है, भगा दो उसे, भगा दो उसे। टैगा की देवी अब उस भालू को मजा चखाएगी। मीला बच गई। मधुमक्खियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
हर डेक को उसकी ऊंची उड़ान और हमारी मदद करने के उपलक्ष्य में दी जाती है। ये मीठी मीठी रसभरी, रसभरी के लिए तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, क्या कहती हो? सच में मैं बिल्कुल तैयार हूँ। The Eagle Rock. बस बस टेक, तुम जीत गए, चलो अब हटो मेरे ऊपर से, मेरी पूंछ दब रही है। हुर्रे, मैं जीत गया हूँ। टेक है सबसे ताकतवर। टेक है जंगल का राजा। अरे मापा पंडे का, आप कैसे हैं मापा पंडे का? नमस्ते बच्चों, नमस्ते। हम दोनों तो खेल रहे थे। अच्छा, कौन सा खेल? टैगा का राजा, और टेक बना है राजा। अच्छा, मुझे याद आता है कि कभी साइबेरिया के टाइगर भी टैगा जंगल के राजा होते थे, जैसे कि सफेद पंखों वाले ईगल, आसमान के राजा। आसमान के राजा, मैंने तो ये नहीं सुना, इसके बारे में और बताइए मापा पंडे का, प्लीज बताइए ना मापा पंडे का। बहुत समय की बात है, उस समय पक्षियों में कोई कायदा कानून नहीं था, ताकतवर पक्षी कमजोर पक्षियों पर अत्याचार करते। तब सभी पक्षियों की एक महासभा हुई, जिसमें फैसला किया गया कि सभी को एक राजा चुनना चाहिए, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ दयालु और न्यायकर्ता भी हो। सभी पक्षियों ने धर्मराज ईगल को अपना राजा चुना, परंतु तुष्ट गिद्ध को यह गवारा ना हुआ और उसने धर्मराज ईगल को अपनी शक्ति का सबूत देने के लिए कहा, हमें एक मुकाबला करना होगा, जो सवेरे उस ऊंची चट्टान पर पहले पहुंचेगा वही राजा बनेगा। सभी गिद्ध की बात पर राजी हो गए, परंतु रात को दुष्ट गिद्ध ने धर्मराज ईगल के पंख चुरा लिए और उन्हें पहनकर चट्टान की ओर उड़ गया। आसमान में सूर्य निकल आया और कपटी गिद्ध के पंख जला दिए, और तभी से उसका रंग भी काला पड़ गया। सूर्य देव ने धर्मराज ईगल को नए सफेद पंख दिए, तभी से धर्मराज ईगल को सफेद पंख वाला ईगल कहा जाने लगा। वो आसमान का राजा बन गया और कपटी ईगल को मुंह की खानी पड़ी। मापा पंडे का, ये बताइए धर्मराज ईगल के पुराने पंख कहाँ हैं? किसको मालूम बच्चों, हो सकता है कि वो पंख उस पहाड़ी पर हो। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा बच्चों, अपना ध्यान रखना। टेक, कहीं घूमने चलना चाहोगे? पर कहाँ पर? कहीं भी चलते हैं, ऐसे ही जरा जंगल की सैर करने। ठीक है, चलते हैं। वैसे बताओ, जाओगे कहाँ तुम? चलो चलो, जरा और थोड़ा आगे बढ़ो जंगल के राजा। ये कहाँ आ गए हम? तुमने कहा था घूमने जाएंगे, पर ये कैसी जगह है? तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या घूमने के लिए? इसमें क्या बुराई है, ईगल के पुराने पंख यहीं कहीं मिलेंगे हमें। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ टेक, हमें ईगल रॉक तक पहुँचना है। हा? तुम पागल हो गए हो क्या? वो सबसे खतरनाक और ऊंची चट्टान है, सुनो लियो। लियो, टेक, वो गिर सकते हैं। उनकी मदद के लिए मुझे सभी को बुलाना चाहिए। दादाजी, मुझे देखो, मैं दौड़कर उड़ जाऊंगा, अभी उड़ जाऊंगा, और फिर आप मुझे देख भी नहीं पाओगे। सच में दौड़ना शुरू, कूदो। इस बार की उड़ान को मत गिनो, अब की बार मैं जरूर उड़ूंगा। हाँ हाँ, जरूर उड़ोगे, आखिर हो तो तुम ईगल ही ना, बस अभी जरा छोटे से हो। नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, ये देखो, दौड़ना शुरू और उड़ो। महाराज की जय हो। महाराज, हमने तेंदुए और बाघ को ईगल रॉक पर चढ़ते हुए देखा है, बस हम यही आपको बताने आए थे। क्या बात है, पर वो लोग यहाँ करने क्या आ रहे हैं? सैनिकों, जाओ पता लगा के आओ। लियो, वैसे हम उन पंखों का करेंगे क्या? चुप करो टेक, अगर ईगल के पंख तुम्हें मिल जाएं तो तुम सिर्फ टैगा के नहीं बल्कि इस आसमान के भी
भी राजा बन जाओगे, समझे ना? आसमान का राजा बन के क्या करूँगा, मेरे लिए टहका ही काफी है। चट्टान से चिपक जाओ। लियो, जरा ध्यान से चढ़ो। ये मैंने नहीं किया, पत्थर गिर रहा है। बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही कहा, नहीं तो वो पत्थर हमारी जान निकाल देते। अब जरा ये बताओ, बिना पंख वाले तुम दोनों हमारे यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ पर बस पंख ढूंढने आए थे, ताकि टेग आसमान का भी राजा बन जाए। आसमान का राजा, और उसके लिए केवल पंख ही नहीं चाहिए। पंख तो मेरे पास भी है, पर मैं राजा कब बनूंगा? महाराज किद आ रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमारी इस चट्टान की ओर चले आ रहे हैं। हम अभी उनको मजा चखाते हैं। अगर अपनी खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। क्या हाल चाल बुड्ढे, आखिर तुम्हारा मिल ही गए। दादाजी, ये तो वो हारे हुए किद हैं। अच्छा, तो ये तुम हो। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूँ। जी हाँ, पर अभी तुम्हारे पहरेदार दूर है और तुम तो अब बूढ़े और अंधे भी हो चुके हो। चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो बच्चे को। कहता हूँ पीछे रहो, वरना इसको मार दूंगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लियो, ए सुनो, छोड़ दो इसे। क्या बात है, और भी चिल्लड़ है यहाँ पर, उठा लो सबको। लियो, छोड़ दो इसे। नहीं 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 लियो। अलविदा बुड्ढे। हमें इन्हें बचाना होगा। मेरे पंखों में अभी भी शक्ति है, पर आंखें कमजोर हो गई हैं। सुनिए, मैं आपकी आंखें बनकर आपका साथ दूंगा। अच्छा, क्या तुम बिना पंख वालों को उड़ने में डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर मुझे उन्हें बचाना है। तो चलो उड़े। बाएं, अब दाएं, अब थोड़ा और दाएं। बस, हम उन तक पहुंचने वाले हैं। वो चट्टानों के बीच छोटे रास्ते में घुस गए हैं, वो तंग रास्ता है। इन चट्टानों में मेरा पूरा जीवन गुजरा है। यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। गिनती गिनो, कितनी दूर रह गए हैं वो? तीन, दो, एक, चलो। सो बुढ़े, तू तो अभी भी ताकतवर है, पर मैं बच्चे तुझे नहीं दूंगा। नहीं, उन्होंने उन्हें गिरा दिया। वो गिर रहे हैं, नीचे की तरफ चलो जल्दी। मैं तो उड़ उड़ कर थक चुका हूँ, हम नीचे कब उतरेंगे? क्या कह रही हो तुम, वो ईगल की पहाड़ी पर चढ़ गए? हे भगवान, मुझे टीक और लियो को ईगल की कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। वो देखिए, वो क्या है? ये तो है लियो और टेक, ये तो उड़ रहे हैं। अब इस तरफ आइए दादाजी, अब उतरेंगे। आपका शुक्रिया। तुम बहुत साहसी हो बच्चे, और तुम सच्चे राजा हो, महान राजा।
राजा कौन? टिग। आप सभी हमारे यहाँ आइएगा जरूर, हमें बहुत खुशी होगी और हम साथ में उड़ेंगे। हाँ, जरूर आना और साथ में उड़ेंगे भी। आइए दादाजी, आप घर चलते हैं, मेरे पीछे आइए। अलविदा। तुमको भी अलविदा। साथ में उड़ने का ऑफर देने के लिए शुक्रिया। पर मैं सोचूंगा इस बारे में। राजा टिग, जरा सुनिए, क्यों ना बर्फ पानी खेले। तो मिला, मैं कोई राजा नहीं हूँ। आओ लियो, मुझे पकड़ो। लोक कथाएं केवल बलवान और चालाक के बारे में ही नहीं होती, बल्कि साहसी और दयालुओं के बारे में भी होती है। पुराना दोस्त। पाँच, छह, सात। अरे नहीं, यहाँ तो टिग मुझे जरूर ढूंढ लेगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ छुपूं, कोई जगह सही ही नहीं लग रही। जो अभी तक नहीं छुपा है वो मुझसे बचेगा नहीं। आ गया मैं, पकड़ लिया मैंने तुमको आज। ठीक है लियो, तुम यहीं पर हो। अरे वाह, वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये जगह ही ऐसी है, वो तो मुझे ढूंढता रह जाएगा। लियो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, बचाओ मुझे। मजेदार था, एक बार और करते हैं। सच में बड़ा मजा आया, दोबारा करते हैं। लियो, तुम्हें घोंसला कहाँ मिला? पेड़ पर मिला, और कहाँ। और ये किसी का है तो नहीं? मतलब अगर ये किसी का हुआ तो हमें डांट पड़ेगी। नहीं, ये तो बिल्कुल खाली था, और खाली का मतलब होता है कि किसी का नहीं। लियो, टिग, बाबा पंडित का तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। टिग, चलो इसे कहीं छुपा देते हैं, हम इसमें बाद में झूलेंगे। हाँ ठीक है, हम इसे छुपा देते हैं। मीला, रुको, हम आ रहे हैं। अरे बच्चों, अच्छा तो आज मैं तुमको एक नई कहानी सुनाता हूँ। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें जो लहरों में चले, गाकर हम उसे भगा। पापा, वो आसमान में कौन उड़ रहे हैं? कौए हैं क्या? तुम भी कैसे बात करती हो मीला, वो तो ईगल है। शांत बच्चों, शांत, झगड़ा मत करो। वे ईगल पक्षी हैं जो कि परदेश से सर्दियां बिताकर घर लौट रहे हैं। थियोडोर, मेरे दोस्त, कैसे हो? घर लौट कर कितना अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलकर। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? तो बच्चों, इनसे मिलो, इनका नाम है थियोडोर और ये एक ईगल है। थियोडोर चाचा, आप तो उड़ते उड़ते थक गए होंगे। चीन में अक्सर कहा जाता है के अपने घर का रास्ता पंख के एक बार उड़ान भरने से ही शुरू हो जाता है। तो मुझे एक ख्याल आया है कि मैं तुम्हें आज एक ईगल की कहानी सुनाऊंगा। भाई, मैं तो बड़े ही शौक से सुनूंगा। तो चलो सुनाता हूँ, बैठ जाओ। बहुत समय पहले एक ईगल हुआ करता था। बस एक ही ईगल था? हाँ, एक ही था। अपने बड़े से घोंसले में अकेले रहता था, इसीलिए उसने अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का निर्णय लिया। एक बार बादलों के पास उसे एक सुंदर मनोहर सुंदरी नजर आई।
फिर उसे पता चला कि वह सुंदरी शक्तिशाली पवन की बेटी थी और पवन उसको किसी को नहीं देने वाला था। पवन आया और ईगल का घोंसला बर्बाद कर दिया, पर ईगल निराश नहीं हुआ। उसने एक नया मजबूत घोंसला बनाया और तब पवन को समझ आया कि उसकी बेटी को एक दृढ़ बहादुर जीवन साथी मिल गया है। तब से ईगल हर साल अपने घोंसलों में लौट कर आते हैं और उनके परिवार में रिश्ते काफी अच्छे और मजबूत रहते हैं। थियोडोर चाचा, क्या आपका भी परिवार है? तुम्हारे चाचू के पास घोंसला भी है और परिवार भी। वैसे तुम मेरे घर आओ, वो पास में ही है उस पहाड़ी पर। टेक, मुझे लगता है कि जो घोंसला हमें मिला था, मुझे पता चल गया कि वो किसका था। क्या सच में किसका घोंसला है वो? मेरा घोंसला? हे भगवान, कहाँ गया वो? कहाँ गया होगा? मैं तो यही छोड़ कर गया था। हवा में उड़ गया होगा शायद। हवा में कैसे? यह तो टाइगा का सबसे मजबूत घोंसला था। ओहो, मेरी जीवन साथी थियोडोरा भी आने वाली है। ओ, तुम उसके गुस्से को नहीं जानते। बस अब मैं गया काम से। आप चिंता ना करें। हाँ, मैं और टिक उसे जल्दी ढूंढ कर आपके पास ले आएंगे। चलो चलें टिक। हाँ चलो। लियो, घोंसला कहाँ पर है? मुझे क्या पता, हमने तो उसे यहीं छोड़ा था। ये तो अजीब ही है, घोंसला अपने आप चलकर तो कहीं जा नहीं सकता। रुको, ये आवाज कैसी? मजा आ गया। देखा तुमने, ये मेरे ऊपर से उड़ गया। चलो चलो चलो, इसको 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 लेके चलते, चोट लगा के। है ईशा, और जोर से, और जोर से। बहुत हो गया, हमारा घोंसला वापस करो। तुम्हारा घोंसला? सुना तुमने भाइयों, शेर और चीते के बच्चे भी चिड़ियों की तरह घोंसला बनाने लगे हैं। ये घोंसला ना तुम्हारा है ना हमारा, ये घोंसला किसी और का है। इसे हमें वापस कर दो। पर पहले हमको पकड़ के दिखाओ। अब हमें बहुत डांट पड़ेगी। ये सब तो मेरे ही घोंसले के टुकड़े हैं। ओ बच्चों, ये तुमने क्या किया यहाँ पर? हमने इसे पेड़ से नहीं गिराया। ये तो इनकी करामात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे, ये अपने आप गिर गया, हमने इसे नहीं गिराया। फिर हमें लगा कि ये खाली है तो ये किसी का भी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ज्ञानी कहते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, पर यहाँ तो कोई हल नहीं दिख रहा। मैं गया काम से। मेरे बच्चों। मापा पंडिका, हम इसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। अरे हाँ, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक गजब का आइडिया है। ये वाली लकड़ी चलेगी क्या? हाँ, ये छत के लिए चलेगा। और ये वाला टैग? हाँ बिल्कुल, उधर रख दो इसे। हाँ ठीक है। क्या चीते और शेर के बच्चे काम तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तो हम क्यों काम करें भला? ए, चल चल चल, काम करो चुपचाप। इस वाले को यहाँ पे और इसे वहाँ पे और इसे यहाँ। मीला, अब बस भी करो, ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है। टैग, सबको बुलाओ। हाँ, ये देखिए, हमने आपके लिए क्या बनाया है।
रोशनी है आई, आई है बाहर, आ गया हूँ मैं भी घर मेरे यार। ये तो बहुत ही सुंदर है। थक गए क्या? आओ चलो दौड़ लगाते हैं उस छाड़ी तक, वहां तक। हाँ चलो मैं गिनता हूँ, शुरू करें। एक दो तीन। ड्रैगन का जागरण। अब बोर मत करो, चलो हमारे साथ चलो। हाँ टेक, चलो देखते हैं पहाड़ की चोटी पर पहले कौन पहुँचेगा। मुझे कुछ भी नहीं करना, तुम लोग जाओ, मैं यही इंतजार करूँगा। देखो तो जरा धारी वाले को डर लग रहा है। तुम्हें तो अभी बताता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं मीला, चलो तुम शुरू करवाओ। तो सभी तैयार, एक दो और। पंजों और पंखों में मुकाबला, बढ़िया है। लियो, लियो, नो, कीनो, कीनो, कीनो। कीनो, तुम्हारे पंख तो बहुत तेज हैं। चलो देखते हैं अब वापस पहले वहाँ कौन पहुँचता है। अरे टेक, चितकबरे को तो नया दोस्त मिल गया और वो तुम्हारी तरह डरपोक भी नहीं है। तुमने किसे डरपोक कहा मुझे? देखो देखो वो रहे दोनों। क्या बात है, कीनो ने तो कमाल ही कर दिया, कितना तेज उड़ती है। कीनो कमाल की है, कीनो बहुत बढ़िया है, कब से सुन रहा हूँ ये कीनो वो। और तुम किसके साथ हो मिला? लियो के पास अब पंखों वाला नया दोस्त है। आया मजा? कुबा चलो यहाँ से। जाओ जाओ, चितकबरे को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम तो उस चिड़िया के नाखून के बराबर भी नहीं हो, समझे? मैं जीत गया, वाह मजा आ गया। ठीक कुबा, कहाँ जा रहे हो? हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना कुबा, और मुझे कुछ और काम है। तुम्हारी ये दौड़ देखने के अलावा भी हमारे पास बहुत काम है। अब इन्हें क्या हुआ, क्या इन्हें किसी ने कुछ कहा? कहा हो चाहे ना कहा हो, पर मुझे लगता है किसी ने चोंच मारी है। अरे ये क्या हो रहा है? पता नहीं पर भूकंप जैसा लग रहा है। सुना है कि बहुत पहले कभी ऐसा भूकंप आया था। उस समय ऐसा हुआ था कि पूर्व की ओर एक विशाल पर्वत था, हवा से उसकी गहरी दोस्ती थी। हवा जब भी बहती हुई पर्वत के देवदार पेड़ों को लहराती, तब पर्वत को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हवा बहती हुई ऊपर उठी और बादलों के संग खेलने लगी। ये देख पर्वत को बहुत गुस्सा आने लगा, आसमान काले बादलों से ढकने लगा, और फिर वो बाहर आ गया, वो। पर कौन? ड्रैगन। ड्रैगन। ड्रैगन, पर्वत जैसा विशाल, आग की तरह खतरनाक, कोई भी ड्रैगन से मुकाबला नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, किसने रोका उसे? हवा ने। हवा अकेले नहीं थी, बल्कि साथ में बादलों को भी लेकर आई थी। हवा और बादल ड्रैगन के आसपास घूमते हुए, नाचते हुए उसे मनाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे ड्रैगन शांत हुआ और विशाल पर्वत में बदल गया। पर्वत को बादलों ने अपनी सफेद सी चादर से ढक दिया और ड्रैगन को सुला दिया। वो फिर से जाग उठा है।
हमें टिक को ढूंढना होगा। चलो चलें। हाँ मुझे भी चलना है। अरे दोस्तों कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता था लियो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर वो तो कीनो से रेस लगाते हैं। कीनो तुम तो बहुत कमाल का उड़ती हो। हाँ ये लियो भी ना। सुनो कौन सा ड्रैगन जाग गया? उस पर्वत का ड्रैगन जाग उठा है। मैं किसी ड्रैगन से नहीं डरता। अभी वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ उस ड्रैगन को, उसे मजा चखा दूंगा। कुबा तुम साथ आओगे? कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अब सभी ये जान जाएंगे कि मैं भी बहादुर हूँ। क्या बोल रहा है ये धारीदार पागल हो गया है। ये ड्रैगन के मुंह में जा रहा है। चलो चलो भागो यहाँ से। भागो 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 जल्दी से। कहाँ गया टेग? कहाँ जा सकता है वो? कूबा टेग कहाँ है? पर्वत की ओर? वो पर्वत पर जा रहा है, पर क्यों? अच्छा तो कहाँ है ड्रैगन? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। बस अब मैं जल्दी से इस ड्रैगन का सफाया कर दूं, फिर देखता हूँ लियो क्या कहता है। फिर मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, कहेगा टेग भाई मेरे साथ खेलो ना, और मैं कहूँगा जाओ खेलो अपने कीनो के साथ। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। हाँ, टेग, जरा ये देखो। अरे वाह, तो सब शांत हो गया है, ड्रैगन सो गया। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर अब यहाँ से बाहर कैसे निकलें? दोस्तों घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए मदद ले आई हूँ। बच्चों ये लो रस्सी पकड़ो।
और फिर लियो पत्थर पर से कूदकर बोला कि जहाँ तुम वहाँ पर मैं। तब मुझे समझ आया कि मैं बिल्कुल गलत था, और तब हवा और बादल साथ साथ घूम रहे थे, और उसके बाद पता है ड्रैगन सो गया। मापा पंडिका, ये बताइए कि ड्रैगन फिर से क्यों सो गया? मुझे लगता है कि टिक ने जब ड्रैगन को हरा दिया तो ड्रैगन जो है वो सो गया। मैंने ड्रैगन को हरा दिया? मेरे सामने आए बिना वो हार गया? अरे, हमारे टिक ने ड्रैगन को हरा दिया। मैंने उसे हरा दिया? सच में? हाँ, मैंने ही उसे हरा दिया। अरे ओ ड्रैगन को हराने वाले, चलो घर चलने का वक्त हो गया है। किनो सुनो, कल खेलने जरूर आना। कल हम सब साथ मिलकर नया खेल खेलेंगे। मैंने कुछ नया सोचा है। ड्रैगन वाला खेल। नहीं नहीं, ड्रैगन वाला खेल और नहीं। लिया तुम भी ना। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं किसी भी ड्रैगन को हरा सकता हूँ। हम सभी के अंदर एक ड्रैगन रहता है, और उस पर हम स्वयं ही जीत हासिल कर सकते हैं। जल्दी करो, रुको मत। मैं रुका हुआ नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ी सांस ले रहा हूँ। पता है इससे फायदा होता है। अच्छा बाबा ठीक है, पर जल्दी करो वरना मापा पंडिका के पास पहुँचने में देर कर देंगे। हे मीला, कैसी हो? ओ हेलो दोस्तों, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। देखो मेरा अखरोट अंदर चला गया है, क्या उसे निकालने में मेरी मदद करोगे प्लीज? अरे मीला, तुम तो जानती हो मेरे पंजे बड़े हैं, देखो ना वहाँ अंदर ये नहीं पहुँच पाएंगे। मीला, मापा पंडिका हमारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी मदद बाद में करेंगे, इंतजार करना। हीरो की कहानी। जाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। वो होगी बुलबुल के बारे में। अरे नहीं मापा पंडिका, फिर से बुलबुल की कहानी नहीं। हमें कोई और कहानी सुनाइए ना, कोई हीरो वाली। अरे हाँ, एक डिशुम डिशुम वाली कहानी। हीरो वाली कहानी? डिशुम डिशुम वाली? अच्छा तो ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक जमाने की बात है, उस समय जंगल के सभी जीव जंतु साथ में मिलजुल कर रहते थे, मगर एक दिन उन पर मुसीबत का पहाड़ आ टूटा। जंगल में भेड़ियों का झुंड आ गया। वे बहुत ही खूंखार थे, उन्होंने जंगल की शांति भंग कर दी थी। सभी का जीना दूभर हो गया था। अपने जंगल की रक्षा कैसे करें, इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक सभा बुलाई गई, लेकिन भेड़ियों को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। बस एक सबसे बलवान, फुर्तीले और बहादुर ने भेड़ियों का सामना करने की ठानी। पूरी रात वो जंग जारी रही। वो रात उस हीरो के लिए बहुत कांटों भरी रात थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा और आखिरकार भेड़ियों को जंगल से भगाकर ही दम लिया। भेड़ियों को मजा चखा दिया उसने। रिशुम, रिशुम, मापा पंडिका, वो हीरो भला कौन था? कोई चीता था क्या? चीता क्यों होता, वो हीरो तो एक शेर था। कुछ कहते हैं कि चीता था, और कुछ लोगों का कहना है कि वो एक बहादुर शेर था। जमाने बीत गए इस बात को। खैर बच्चों, चलो अब मैं थोड़ी सी झपकी ले लूं। टिक, आओ हीरो हीरो खेलते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं चीता बनता हूँ और तुम भेड़िया बनो। चलो जरा भेड़िया बनकर दिखाओ ना। ऐसे बात नहीं बनेगी, ये किसी भेड़िये की नहीं एक गिलहरी की आवाज लग रही है। तुम हो गए गिलहरी। गिलहरी, देख यहाँ, कोशिश करके देखो जरा। वाह,
तुम्हारी आवाज तो एक असली भेड़िया जैसी लग रही है। लियो, ये बताओ कि मैं भेड़िया क्यों बनूं? मैं तो एक हीरो बनूंगा। बिल्कुल भी नहीं, हीरो तो एक चीता था। पर मापा पंडिका ने तो कहा था कि मापा पंडिका तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हो सकता है कि वो तुम्हारा दिल न दुखाना चाहते हो। सभी जानते हैं कि शेर शक्तिशाली होते हैं और शेर ही एक असली हीरो हो सकता है। फिर से एक बार सोच लो कि असली शक्तिशाली कौन है। अरे जाओ, मैं नहीं मानता। मैं हीरो बना तो खेलूंगा, वरना नहीं। ठीक, ऐसा करते हैं, जो उस चोटी पर पहले पहुँचेगा वही असली हीरो होगा। ये बात है, तो आओ देखते हैं। अरे सुनो, ये तो बेईमानी है। हाँ, आओ खड़े मत रहो, जल्दी आओ। मुझसे आगे निकल कर दिखाओ। क्यों हार मान रहे हो? लियो, आओ आओ दौड़ो। क्या करूं? कितना अंदर चला गया? आया जाना, मुझे भूख लगी है, क्या करूं इसका? फंस गई, लगता है मैं तो फंस गई। लियो, मदद करो, फंस गई मैं, मुझे बाहर निकाल दो। इंतजार कर सकती हो, मैं बस अभी वापस आता हूँ। मैं बस जरा टिक को बता दूँ कि यहाँ का असली हीरो कौन है। मीला, क्या तुमने लियो को देखा? वो उस तरफ गया है। टिक, मुझे बाहर निकाल दो। मीला, मैं लियो को हरा कर अभी आता हूँ। बस मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। बस तुम एक काम करना, जाना मत कहीं। यहाँ से कहीं जाऊंगी भी कैसे? अरे वो देखो, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। बेचारी फंस गई। चलो जरा उसकी मदद करते और फिर भोजन करेंगे। तो कौन है यहाँ का हीरो? हा? क्या हुआ हीरो, हार मान रहे हो क्या? हीरो कभी भी हार नहीं मानते। ठीक। गंदी जड़ छोड़ दे मुझे, यहाँ से कैसे निकलूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है वहाँ? लियो, टेक। और ये है गलत जवाब। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ, फंस गई हो क्या? लियो, लियो, बस मुझे पकड़े रहना प्लीज। मेरा हाथ मत छोड़ना और ऊपर चढ़ो। मेरा वजन सहलोगे ना? मैं भारी हूँ। कोई बात नहीं, चीते शक्तिशाली होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पता है, ये दौड़ लगाना बेवकूफी का काम था। हम बारी बारी हीरो हीरो खेल सकते थे। पहले तुम हीरो बनते, फिर मैं बन जाता। हाँ हाँ, लेकिन पहले हीरो मैं बनता। ये कैसी आवाज है? ये तो मीला है, लगता है कोई गड़बड़ है। ये लो, ये लो, मेरे पास मत आओ। मैंने कहा रुक जाओ आप। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तुम इस तरह नहीं बच पाओगी। लियो, टेक, कहाँ हो तुम लोग? कोई बात नहीं है, तुम्हारे शंकु फल खत्म होने वाले हैं। खत्म होने वाले हैं। छोड़ दो हमारी दोस्त मीला को, वरना बहुत बुरा होगा। और भोजन आ गया, आ जाओ तुम भी, मेरा चटपटा भोजन। यहाँ कोई भी तुम्हारा खाना नहीं है। लियो, इन्हें मजा चखाओ। पकड़ लो उसे। चलो इन्हें उठा के कहीं फेंक देते हैं। हाँ, और फिर शांति से कहीं मजे से भोजन करेंगे। पकड़ लो इन्हें। छोड़ दो।
है। ए, चुप कर, बकवास मत कर मेरे से। कैसे भेड़िए? बहुत ही खूंखार और भूखे भेड़िए। बॉस, वो पास आ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, भेड़ियों का झुंड। ठीक है, चलो यहाँ से। भेड़ियों के मुंह ना ही लगे तो अच्छा है। बच गई तू आज प्यारी राजदूत। आज तेरा दिन अच्छा है। लियो, तेरा संभल कर, वहाँ पर भेड़िया है। अरे घबराओ मत मीला, यहाँ कोई भेड़िए नहीं है, ये तो मैं और टिक थे। अरे ये तो बिल्कुल असली भेड़िए जैसी आवाज थी, मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। ये लो तुम्हारा अखरोट। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने तो असली हीरो की तरह मेरी जान बचाई। देख, मुझे लगता है कि भेड़ियों को भगाने वाला हीरो एक नहीं था, वो दो हीरो थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा, शेर और चीता हीरो थे। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों हीरो बनते हैं और मीला भेड़िया बनेगी। तो चलो आओ हीरो हीरो खेलें। पर क्यों, मैं तो हीरो बनूंगी, मैं भेड़िया नहीं बनना चाहती।